how to set charging light setting in any Samsung M series. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Samsung के डिवाइस में चार्जिंग लाइट सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चार्जिंग लाइट दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए अगर आप मोबाइल को चार्जिंग पे सेट कर देते हैं, यानी कि मोबाइल को आप चार्जिंग पे प्लग कर देते हैं, तो चार्जिंग दोस्तों अभी आप कर रहे हैं तो मोबाइल का जो लाइट होगा वो ऑफ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि नहीं होते ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग, ये भी कुछ इस तरीके से होते हैं। चार्जिंग लाइट आपको दिखाई देगा, यानी कि आपको यह पता रहेगा कि अभी मोबाइल चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते कैसे ये सेटिंग काम करते, कहाँ पर है सेटिंग, सब कुछ जानने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते, सबसे पहले जाएंगे सेटिंग पर, उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन हमें शायद होम स्क्रीन पर ही मिल जाए, तो यहाँ पर देखते हैं होम स्क्रीन, या फिर दोस्तों होम स्क्रीन या तो फिर ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो ऑप्शन सर्च कर रहा हूँ, ओके, तो ये ऑप्शन जो है डिस्प्ले पर है ना कि होम स्क्रीन पर। तो स्क्रीन सेवर पे जाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन सेवर, शो ए स्क्रीन सेवर आफ्टर द स्क्रीन टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली वाइल योर फोन इज़ इन चार्जिंग। ठीक है, यानी कि आप जब आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तब दोस्तों क्या होगा, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लॉक हो जाएगा, तब अपने आप आपके स्क्रीन पे एक स्क्रीन सेवर दिखाई देगा। फोटो फ्रेम, फोटो टेबल आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, या फिर कलर्स भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स भी आप सेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सेटिंग दोस्तों है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं चार्जिंग करते वक्त, अगर आपको लाइट शो करवाना है तो ये सेटिंग दोस्तों आपके लिए, आप इस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।